अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस समय हम द्रास में मौजूद हैं जो दुनिया का दूसरा सर्दतरीन इलाका है। सर्दी की अगर बात करेंगे, पिछले दो रातों से यहाँ माइनस टेम्परेचर डिप हो चुका है। कल का और परसों का अगर टेम्परेचर जो रिकॉर्ड किया गया, माइनस 28 डिग्री सेल्सियस यहाँ टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। ठिठरती हुई इस सर्दी में लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा है। और जहाँ तक जोजिला की बात करेंगे, लगभग पिछले दो हफ्तों से जोजिला बंद है। दरमंदा मुसाफिर बहुत सारे यहाँ फंसे हुए है और सर्दी में भी उतार चढ़ाव आ रहा है। कभी सर्दी ज्यादा हो रही है, कभी कम हो रही है। तो लास्ट के जो दो दिन है उनमें जो सर्दी रिकॉर्ड की गई, माइनस 28 टेम्परेचर द्रास में रिकॉर्ड किया गया है। तो जोजिला की जहां तक बात है, उस बारे में हमने यहां की एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उसके अपडेट के बारे में। उससे बात करने के लिए हम आपको यहाँ के SDM जनाब असगर अली साहब से अपडेट लेंगे। इस समय SDM द्रास जनाब असगर अली साहब जुड़े हुए हैं। हम इनसे जोजिला के अपडेट के बारे में थोड़ा पूछेंगे। सर, जोजिला के बारे में क्या अपडेट है अभी? जी, मैं ग्लेशियर टाइम्स का मशहूर ममनून हूँ कि आप सही मौके पे यहाँ के मसाइल को उजागर करने के लिए पेश देते हैं। जोजिला की अपडेट आज इस तरह है कि उम्मीद था कि आज जोजिला खुल जाए। बेकन हुकाम सूरत काम पे मशीनें लगी हुई हैं। तो 12 एक बजे तक तो मौसम ठीक था, बदकिस्मती से अभी 2 बजे के बाद बर्फबारी शुरू हुई है। अभी आप खुद देखते हैं, द्रास में ही बर्फबारी हो रही है और मीना मरक साइड और घुमरी साइड में सुखर ज़बरदस्ती बर्फबारी हो रही है। इस वजह से काम में खलल पड़ा है। उम्मीद है कल अगर मौसम साफ होने की सूरत में कल तक रोड खुला हो जाएगा। जी सर, एज पर प्रेडिक्शन ये कल ही बताया गया था कि आज 21 तारीख को शायद बर्फबारी होगी, तो क्या आज वहाँ काम चल रहा है? इस बारे में कोई अपडेट आपके पास? जी, आज काम चल रहा था, सुबह पे बर्फबारी नहीं थी। अब 1 बजे के बाद बर्फबारी हो गई, इसलिए अभी काम बंद करना पड़ा, मजबूरी थी। बर्फबारी के दौरान तो काम कर नहीं सकते हैं, वहाँ स्लाइडिंग का भी खतरा रहता है। और हमारे SHO साहब मंजूर साहब इस वक्त मीना मरक को डुमरी जा के आए हैं। तो हमारे साथ यहाँ कुछ यूथ जुड़े हैं, हम इनसे बात करेंगे। साहब, आप बताएं किन मुश्किलात का यहाँ आपको सामना करना पड़ता है? पहले तो यासीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ग्लेशियर टाइम्स से टाइम टू टाइम अपडेट दे रहे हैं। द्रास द सेकंड कोल्डेस्ट इनहेबिटेड प्लेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ आपका सवाल रहा कि किस किस्म का मुश्किल का सामना करना पड़ता है। देखो सर, चैलेंज तो बहुत आते हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो जोजिला पास है, नेशनल हाईवे लाइफलाइन, ये कट ऑफ रहता है 6 महीना। और उसके बाद हमें जो है कमोडिटीज़ नहीं मिलता है यहाँ। हमें आप देख सकते हैं कि अस्पताल में कमी होती है, कोई डॉक्टर सही से कोई किसी को ट्रीट कर पाने के लिए हमें बहुत सारे चैलेंज आते हैं। लेकिन चैलेंज को हम आगे लेके, इस चीज़ को हम विंटर एक्टिविटीज़ की तरफ लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ के जो यूथ जो है, यहाँ के जो सपोर्ट्स मैन बहुत ज़्यादा है, यहाँ के बच्चों में बहुत बड़ा टैलेंट है। या वो आप आइस हॉकी को देख के, या वो आप स्नो स्की को देख के, तो हम चाहते हैं कि द्रास को एक विंटर टूरिज़म हब बनाए। अच्छा, कुछ महीने पहले टनल की जो बात उठी, टनल का इनिशिएट किया गया, क्या इससे यहाँ की मुश्किलात में कुछ कमी आएगी? आपका क्या ख्याल है? आपने टनल की बात की, ये एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड था पूरे खत्ते लद्दाख के लिए, क्योंकि ये हमारा लाइफ लाइन है। हम चाहते हैं कि टनल को जल्द जल्द जो है, जो कुछ इसका जो टेंडरिंग दिया गया है, उसका जो एरिया दिया गया है कि इसमें हम उसका कंस्ट्रक्शन जो है कम्प्लीट करें। हम उम्मीद करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, हम उम्मीद करते हैं हमारे UT एडमिनिस्ट्रेशन को, इस टनल को जल्द जल्द लोगों के लिए मतलब काम आए, ताकि जो है जो भी हमारे मुश्किलात हैं उसको हल हो जाए। तो हमारे साथ एक और यूथ जुड़े हैं, ये प्राइवेट स्कूल में टीचर भी हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, यहाँ के स्टूडेंट्स इस छिटरती ठंड में ड्यूरिंग विंटर कैसे सर्वाइव करते हैं? वो अपनी पढ़ाई की हस्ब मामूल, पढ़ाई की कंडीशन को आगे तक कैसे लेकर जाते हैं? तो यहाँ के स्टूडेंट्स को बहुत सारे मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जिनसे यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स अब हम लोग ये ओपन करते हैं, बहुत सारे टीचर्स। तो इनको बहुत सारे अरेंजमेंट करना पड़ता है, जैसे हीटिंग अरेंजमेंट में आप लोग फायर वुड ले, ठीक है। तो और भी हाँ, अभी माइनस 28 डिग्री टेम्परेचर जाता है, तो ये सारे अरेंजमेंट्स हमको पहले करना पड़ता है, तभी यहाँ पॉसिबल है आपको पढ़ाना है।
तो इन सारे अरेंजमेंट के बगैर हमें यहाँ इम्पॉसिबल है क्लास लेना। ठीक है नाज़रीन, आपके लिए यहाँ की ठंड, जुजला और बाकी मामलों के बारे में द्रास से ताज़ा अपडेट। ग्लेशियर टाइम्स के लिए कैमरामैन जावेद इकबाल के साथ द्रास से यासीन साबिर।